आरटी फैसिलिटी नियर अखरी बाईपास चितईपुर में जो है सर जी। सर अभी हमारी टीम यहाँ पे आई थी सर, हमने देखा बहुत अच्छा सुविधा है यहाँ पे, बहुत अच्छी भीड़ भी था, अच्छे खासे में पेशेंट भी यहाँ पे थे। तो सर आपका पहले मैं नाम जानना चाहूँगा और सर क्या क्या चीज़ का आप ट्रीटमेंट करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर शरद कुमार है, मैं एमडी फिजिशियन हूँ और बेसिकली यहाँ पे हर प्रकार की मतलब बीमारियों का इलाज होता है, जैसे कि मेडिसिन है, न्यूरोलॉजी का है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का है, कार्डियक का है, हमारे यहाँ सभी प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, हड्डी का है, पेट का ऑपरेशन है, सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध हैं और उचित मूल्य पर हैं। मतलब एक गांव के कई बार गांव देहात के मरीज आते हैं, उनके पास बड़े सेंटर में जाने का पैसा नहीं रहता है, तो उनके लिए विशेष करके हमारे पास अच्छी सुविधाएं हैं। मैम सर गांव के तो लोग आते हैं और बहुत यहाँ पे बहुत सारे क्लिनिक हैं, लेकिन गांव पे जाने के बाद में ये पता चलता है कि नहीं है हॉस्पिटल बहुत ज्यादा पैसा ले लिया है, बहुत ज्यादा हॉस्पिटल और पैसे के अभाव में बहुत सारे मरीज वाराणसी के नाम सुन करके नहीं आ पाते। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से सर क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश ये देना चाह रहे हैं कि मुझे पता है कि कई सारे मानसिक अस्पताल हैं जिनसे लोग परेशान हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा अस्पताल उन्हीं कैटेगरी में आता है। हमारा अस्पताल गरीबों के लिए एक बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ आया हुआ है और अभी हमारे अस्पताल में ज़्यादा दिन हुआ नहीं है। जो मरीज यहाँ से ट्रीटमेंट ले गए हैं, आप उनसे फीडबैक लेंगे तो आपको एक मतलब एक आइडिया लग जाएगा लगभग कि कैसी सुविधाएं हैं। और रही बात अफोर्डेबिलिटी की, हमारा हॉस्पिटल बहुत ही अच्छे रेट में मरीजों को इलाज दे रहा है। अभी आप न्यू बॉम्बे हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर से यहाँ के जो एमडी डॉक्टर हैं, अभी आपने इनसे बात सुन रहा था। मैम अभी न्यू बॉम्बे हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर में मैं आप यहाँ पे कह रहे थे मैम, जो कि न्यू अखरी बाईपास सीतईपुर चुना रोड में है मैम, ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। यहाँ के डॉक्टर से भी बात हुआ, डॉक्टर विपिन पाठक जी से। मैम आपका मैं नाम जानना चाहूँगा और मैम यहाँ पे आप किस चीज़ का उपचार करती हैं? मैं डॉक्टर शिवानी पाठक, ऑप्शन गायनी स्त्री एवं प्रस्तुति रोग विशेषज्ञ। मैं यहाँ स्त्रियों के लिए मेनली हूँ, ठीक है, जो महिलाएं पीरियड से लेकर के इनफर्टिलिटी बांझपन से लेकर के परेशान है, उनका उपचार यहाँ मैं करती हूँ। मैम ये तो बहुत अच्छी बात अभी आपने बताया कि अभी बहुत भी बिहार झारखंड के लोग को मैंने देखा है कि बांझपन का शिकायत बहुत ज़्यादा होता है, लोग कहीं कहीं भूत प्रेत के ओझा के चक्कर में अंधविश्वास में पले रहते हैं कि मुझे इसके चक्कर में नहीं हो पाता। तो मैम इस चीज़ के लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए ये तो अंधविश्वास है, इसको लेकर नहीं मानना है। जो भी है आपका मेडिकल साइंस है, आपके अंदर जो भी हॉर्मोन्स हो गए या कोई ना कोई प्रॉब्लम है, यूट्रस बच्चेदानी में दिक्कत की वजह से नहीं बच्चे होते हैं, हार्मोन प्रॉब्लम से नहीं बच्चे होते हैं, या ब्लड टेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो, थायराइड हो गया, शुगर हो गया, इन सब चीज़ों से नहीं होता है, वही लोग अंधविश्वास के रूप में बाबा के पास। नमस्कार, मैं आई वी नवाज श्री डीके पांडे, अभी मैं उत्तर प्रदेश के बनारस में मौजूद हूँ, जो कि हमारी टीम बनारस में सर्च अभियान में लगी हुई है और यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छा और एक बहुत मरीजों की भीड़ लगी हुई थी, एक मुझे बहुत अच्छा हॉस्पिटल दिखा। उस हॉस्पिटल का नाम मैं आपको बता दूं, न्यू बॉम्बे हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी, जो कि नियर अमरा चौक चितईपुर बाईपास वाराणसी में है। और आइए यहाँ के डॉक्टर जो हमारे पाठक जी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे मैं कुछ जानकारियाँ लेता हूँ। नमस्कार सर, हमारे चैनल में सर आपका स्वागत है। सर सबसे पहले तो सर मैं ये जानना चाहूँगा सर कि आपने ये हॉस्पिटल का सर नींव कब रखा? सर जी आज से करीब 1.5 साल पहले हमने इस हॉस्पिटल को स्टार्ट किया था, लगभग सितंबर में स्टार्ट किया था हमने, 15 सितंबर के आसपास 1.5 साल कंप्लीट हो गए और तब से हमारा हॉस्पिटल रन कर रहा है और अच्छा खासा चल रहा है। सर ये जो सर उत्तर प्रदेश बनारस में आपने जो हॉस्पिटल का नाम रखा सर,
तो हमारे मन में एक बात आ रहा है सर कि मैं कैसे आप बनारस में हॉस्पिटल रखे और कहीं दूसरे जगह क्यों नहीं रखे सर? हालांकि एक्चुअली ये क्वेश्चन बड़ा अजीब टाइप का। एक्चुअली हमारा मन यहाँ पे पहले से था, यहाँ पे लोगों का सेवा करने का एक भाव है और काशी नगरी है अपनी, और यहाँ से अच्छा जगह हो ही नहीं सकता, इसलिए हमने यहाँ पे हॉस्पिटल डालने का एक निर्णय लिया और अच्छा निर्णय रहा। हम बहुत ही कम दरों में सबकी ट्रीटमेंट करते हैं और सबको अच्छा इलाज देने की कोशिश करते हैं। हमारा बस एक यही उद्देश्य है कि सबको अच्छी स्वास्थ्य सबको प्रदान किया जाए। जितना हमसे हो सकता है हम अपने तरफ से सबको देते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, यही हमारा एक उद्देश्य। सर आपके निजी जीवन में तो मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन सर मैं पूछना चाहूंगा सर आप रहने वाले कहाँ के हैं सर? हमारा घर यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर गाजीपुर खोड़िया करके प्लेस है, वहाँ पे है, वहीं से हमारा स्टार्ट हुआ। तो सर आप औंढियार के रहने वाले इसीलिए अपने यहाँ के लोगों को आप सेवा देना चाहते हैं कि जितना से ज्यादा हमारे यहाँ के लोग ज्यादा स्वस्थ रहें और उनको हम कम रेंज में कम पैसे में मतलब मैं उनका इलाज कर सकूं और लोग स्वस्थ रहें जी। और उनको हम कम रेंज में कम पैसे में मतलब मैं उनका इलाज कर सकूं और लोग स्वस्थ रहें। जी, बिल्कुल हमारा यही एक मोटो है और बराबर लोग हमसे टच में रहते हैं, लोगों का आना जाना हमेशा हमारे गांव से लोगों का रहता है। बहुत प्रसन्न रहते हैं गांव के लोग देख करके कि हाँ गांव में एक कोई योग्य डॉक्टर मिला है, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है दूसरों की सेवा करके। सर ये जो हॉस्पिटल न्यू बॉम्बे हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है सर इसमें क्या क्या सुविधा उपलब्ध है सर? सुविधा यहाँ पे हम जनरली बेसिक सारी सुविधाएं दिए हुए हैं, जैसे मेडिसिन के लिए हमारे पास टीम है और हमारा आईसीयू बहुत अच्छा है। इस एरिया में हमने एक अच्छा आईसीयू डेवलप करने की कोशिश की है, जहाँ पे वेंटिलेटर की सुविधा, डायलिसिस की सुविधा और अच्छे टीम वर्क है हमारे पास। कार्डियक की पूरी टीम है हमारे पास, न्यूरो की पूरी टीम है, मेडिसिन की टीम है, और सब एक टीम के अंतर्गत हमारा वर्क होता है। जैसा कि हम खुद सर्जन हैं और हमारे एक सर्जरी का भी पूरा टीम है, अच्छे से अच्छे इलाज करने का हमारा वो रहता है, मोटो रहता है, सबको अच्छी सुविधा दी जाए, कोई यहाँ से जाने के बाद दुखी होके ना जाए, उसका भी हम लोग ध्यान देते रहते हैं। और सिर्फ इलाज ही करना नहीं, हम इलाज करने के बाद लोगों से फीडबैक लेते हैं, लोगों को फोन कर करके 1-2 महीने बाद उनसे हाल चाल पूछना और उनसे फीडबैक लेना कि हाँ हमारे हॉस्पिटल में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई तकलीफ, कोई शिकायत हो तो आप हमें बताइए। हम कोशिश करते हैं कि हाँ किसी भी तरह की दिक्कत हो तो उसको तुरंत सॉल्व किया जाए, उसको निस्तारण करके और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। सर गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि सर्जन का मतलब नहीं समझ पाते, तो हम अपने चैनल के माध्यम से सर पूछना चाहूंगा कि इसमें इस हॉस्पिटल में कौन कौन से रोग का जैसे 2-4 रोग का नाम बता दीजिए ताकि हमारे चैनल के माध्यम से लोग जान जाएं सर। जी बिल्कुल। अब सर्जरी का मतलब शल्य क्रिया है, शल्य चिकित्सक हैं हम, और शल्य से रिलेटेड सारे ऑपरेशन संबंधी, गांव की भाषा में लोग इजीली समझ जाते हैं कि ऑपरेशन से संबंधित सारे चीजें हमारे यहाँ होती हैं। हालांकि वो कैंसर की हो या फिर कोई महिला रोग से संबंधित हो, बच्चेदानी हो और सिजेरियन वगैरह, नॉर्मल डिलीवरी भी होती है, हमारे यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मैडम हैं, वो सारी चीजें देखती हैं। बाकी सभी तरह के सर्जरी होती है हमारे यहाँ, कीमोथेरेपी वगैरह भी हो जाती है। हमारे पास एक टीम है जो कि हमने पहले ही बताया कि हम टीम के साथ काम करते हैं और जहाँ टीम वर्क होता है वहाँ काम हमेशा अच्छा होता है, तो इसलिए सर्जरी में भी सारी सुविधाएं हैं, कैंसर सर्जरी हो या कि सारे ट्रीटमेंट है। सर हमारे मन में आखिरी और लास्ट सवाल आ रहा है सर, तो सर क्या कोई ऐसी भी सुविधा उपलब्ध है जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं जो कि गांव गिराव से बनारस आने में डरते हैं, तो क्या आपके पास कोई गरीब या मेधावी लोगों के लिए कुछ सुविधा उपलब्ध है सर? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमने यहाँ पे बहुत से गरीबों का यहाँ पे इलाज किया है और हमने यहाँ तक कि उनसे बिल्कुल 0 चार्ज पे भी यहाँ पे इलाज करके हमने उनको छोड़ा है। हाल ही में हमारे पास कुछ 3-4 पेशेंट ऐसे भी आए जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था
और उनको हमने बिल्कुल फ्री में एकदम बिल्कुल दवा दे करके छोड़ा है, एक भी चार्ज नहीं किया उनसे। और हम लोगों का प्रयास यही रहता है कि गरीब तो बिल्कुल, हम गरीब को बिल्कुल वो सोचते हैं कि उसको कितना खुश करके यहाँ से भेजे कि वो दुआ दे और हमारा काम आगे बढ़े, और कुछ नहीं, सबसे बस अच्छे से रहना है और अच्छी सुविधा देना है सबको, यही हमारा मोटो है। अभी आप वाराणसी से न्यू बॉम्बे हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर के डॉक्टर विपिन पाठक जी से आपने अभी बात सुन रहे थे। मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये हॉस्पिटल बहुत ही अच्छी हॉस्पिटल है, बहुत अनुभवी डॉक्टर हैं, पूरे डॉक्टरों की टीम है, और सबसे खास बात है कि इनके अंदर मानव सेवा की सबसे बहुत बड़ी एक धन्य है, ताकि किसी भी मरीज को पैसे के लिए वो अपनी जान गंवा न सके, आ करके और यहाँ पे ट्रीटमेंट अपना इलाज करा के और स्वस्थ होकर के अपने घर जा सकता है। वाराणसी से डीके पांडे की रिपोर्ट।